अंदर कोई वीडियो बनाना पिक क्लिक करना अलाउड। देखिए धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो आप अगर कभी भी लखनऊ आइए तो ये पिक्चर गैलरी जरूर विजिट करिएगा। और शाम को जब लाइट यहाँ से ऑन होती है तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज फिर से रोज़ की तरह निकल पड़े हैं एक नए सफ़र पे, और आज मैं आप लोग को लेके चलूँगा लखनऊ के क्लॉक टावर जो कि हुसैनाबाद में है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है वहाँ पे। शाम को बहुत सारी फैमिली आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ। और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लेक है, एक पिक्चर गैलरी भी है, और उस पिक्चर गैलरी में यहाँ के जो नवाब थे लखनऊ के, उनके समय की बहुत सारी पेंटिंग्स पोर्ट्रेट आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। ये रास्ता बड़ा इमामबाड़ा रूमी गेट से होते हुए क्लॉक टावर और पिक्चर गैलरी तक लेके जाता है। और अब हम आ चुके हैं क्लॉक टावर के पास। ये लखनऊ के हुसैनाबाद में स्थित है, और यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी पिक्चर गैलरी और एक बहुत ही खूबसूरत लेक भी है। तो गाइस यही है पिक्चर गैलरी के सामने, और अंदर चल के देखते हैं कौन कौन सी पेंटिंग है, वो आप लोग को भी दिखाएंगे। इस पिक्चर गैलरी में लखनऊ के जितने भी नवाब रहे हैं उनकी सबकी पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट अलग अलग माध्यम में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये इस गैलरी का एंट्रेंस है, ये कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जाते हुए हमें गैलरी के अंदर तक लेके जाती हैं। और ये पास में ही एक टिकट काउंटर भी है जहाँ पर हमें कुछ पैसे पे करके पेंटिंग देखने के लिए टिकट भी लेना होता है। तो गाइस अंदर कोई वीडियो बनाना पिक क्लिक करना अलाउड नहीं था, इस वजह से कोई भी पिक क्लिक नहीं कर पाए। तो अब लेके चलते हैं आप लोग को वहाँ, जो ये लेक है यहाँ का, बहुत बड़ा लेक है, बहुत खूबसूरत लगता है। वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो अभी चलते हैं वहाँ पे और वहाँ की खूबसूरती आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये सामने क्लॉक टावर है, और इधर ये पिक्चर गैलरी कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का व्यू, और एक सामने ये बिल्डिंग जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये सामने लेक है, और सीढ़ियाँ जो बनी हुई उन पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये देखो। गाइस यहाँ की मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, वो ये कचरा। ये आप देखिए बहुत सारा कचरा यहाँ पे फैला हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए आते हैं, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक पी के कोल्ड ड्रिंक की बॉटल इधर उधर फेंक देते हैं। जैसे पानी में आप देखिए कितना सारा कचरा फैला रखे हैं, बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियाँ, पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल, बहुत सारा कुछ इसमें पड़ा हुआ है। तो इतना ज़्यादा माहौल यहाँ का बेकार लग रहा है। उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग कहीं भी घूमने जाते हैं वहाँ पर गंदगी ना फैलाएँ, जो भी खाने की चीज़ें लेके जाते हैं आसपास डस्टबिन होती हैं, सारा कचरा आप डस्टबिन में डालिए। अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा क्लीन रहेगा, और सारी जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगी। तो आप ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखिए, कहीं भी जाइए कचरा बिल्कुल भी ना फैलाइए। इस एरिया में आप बहुत सारी दुकानें देख रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, तो लोग यहाँ अपनी फैमिली के साथ आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, घूमने के लिए,